अध्याय 13। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के पास आता है, उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। मुहूर्तमपि जीवेच नरा शुक्लेन कर्मणा ना कल्मपि कष्टेन लोकद्वय विरोधना। मनुष्य को यदि एक मुहूर्त अर्थात 48 मिनट का जीवन भी मिले तो उसे उत्तम और पुण्य कार्य करते हुए जीवित रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही जीवन उत्तम है। परंतु इस लोक और परलोक में दुष्ट कर्म करते हुए हजारों वर्षों जीना भी व्यर्थ है। चाणक्य का भाव यह है कि मनुष्य का जीवन बहुत भाग्य से मिलता है। यदि जीवन बहुत छोटा भी हो तो उसे अच्छे कर्म करते हुए जीवित रहना चाहिए। बुरे काम करते हुए हजारों साल का जीवन भी व्यर्थ है। मनुष्य का धर्म है कि अच्छे कर्म करता हुआ अपने जीवन को बिताए। आयु की सार्थकता शुभ कर्मों से है। गते शोको ना कर्तव्य भविष्य नैव चिंतयेत वर्तमानेन कालेन प्रवर्तनते विचक्षणा। जो बातें बीत चुकी हैं उन पर शोक नहीं करना चाहिए और भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान लोग वर्तमान समय के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह बीती हुई बातों पर शोक करने में व्यर्थ समय ना गंवाए। उसे इस बात की भी चिंता नहीं करनी चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। अतीत हाथ से निकल चुका है तो भविष्य की केवल कल्पना की जा सकती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को वर्तमान स्थितियों के अनुरूप अपने काम में लगे रहना चाहिए। इससे बीते कल में हुई भूलों को ठीक किया जा सकता है और आने वाले कल को एक उत्तम आधार दिया जा सकता है। स्वभावेन ही तुष्यनति देवा सत्पुरुषा पिता ज्ञात स्नान पानाभ्या वाक्यदानेन पंडिता। अर्थात देवता सज्जन और पिता स्वभाव से संतुष्ट होते हैं, बंधु बांधव अच्छे खान पान से, जबकि पंडित यानी विवेकशील मधुर भाषण से ही प्रसन्न हो जाते हैं। देवता सज्जन व्यक्ति और पिता केवल व्यक्ति के स्वभाव को देखते हैं। पिता अपने पुत्र के स्वभाव से ही प्रसन्न होता है। रिश्तेदार बंधु बांधव अच्छे खान पान से खुश रहते हैं, अर्थात यदि उनकी खान पान से अच्छी आवभगत की जाए तो वह प्रसन्न रहते हैं और विद्वान मीठी बातों से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी बात को कुछ इसी तरह भी कहा जा सकता है। देवता सज्जन और पिता अपने पूजक और संतति से सदा ही संतुष्ट रहते हैं। अहोबत्र विचित्राणि चरितानि महा आत्मनाम लक्ष्मी त्रिनाय मन्यन्ते तद्भारेण नमन्ति च। अर्थात महात्माओं और सज्जनों का चरित्र बड़ा विचित्र होता है। वे धन को तिनके के समान समझते हैं, परंतु तब उसके भार से वह झुक जाते हैं, अर्थात मिदर्म बन जाते हैं जब वह आता है। सज्जन धन को तिनके के समान अर्थात अर्थहीन समझते हैं, परंतु यदि इनके पास धन आ जाए तो वे और भी नम्र हो जाते हैं, अर्थात धन के आने पर भी उन्हें अभिमान नहीं होता। वे उसी प्रकार झुक जाते हैं जिस प्रकार फलों से लदी हुए वृक्ष की टहनियां नम हो जाती हैं। यस्य स्नेहो भया तस्य स्नेहो दुखस्य भाजनम स्नेह मुलानी दुखानी तानी तयक्त्वा वसेत सुखम। जिसका किसी के प्रति स्नेह अथवा प्रेम होता है उसी से उसको भय भी होता है। स्नेह अथवा प्रेम ही दुख का आधार है। स्नेह ही सारे दुखों का मूल कारण है। इसलिए उन स्नेह बंधनों को त्याग कर सुखपूर्वक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। अनागत विधाता च प्रयुत्पन्न मतिस्तथा दावेतो सुख मेधेते यद भविष्यो विनश्यति। यानी आने वाले कष्ट को दूर करने के लिए जो पहले से ही तैयार रहता है और जो विपत्ति आने पर उसे दूर करने का उपाय सोच लेता है, ये दोनों प्रकार के व्यक्ति अपने सुख की वृद्धि करते हैं, अर्थात सुखी रहते हैं। तथा जो यह सोचता है कि जो भाग्य में लिखा है वही होगा, ऐसा व्यक्ति नष्ट हो जाता है। चाणक्य ने कहा है कि संकट आने से पूर्व जो व्यक्ति बचाव का उपाय कर लेता है और जो संकट आने पर तत्काल आत्मरक्षा का उपाय कर लेता है, ये दोनों सुख से जीवन बिताते हैं। परंतु जो भाग्य के लिखे के अनुसार सोचता है कि देखा जाएगा, वह नष्ट हो जाता है। राज्ञी धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजान मनोव्रतन्ते यथा राजा तथा प्रजा। यानी राजा के धर्मात्मा होने पर भी प्रजा भी धार्मिक आचरण करती है। राजा के पापी होने पर प्रजा भी पाप में लग जाती है। राजा उदासीन रहता है तो प्रजा भी उदासीन रहने लगती है, क्योंकि प्रजा वैसा ही आचरण करती है जैसा राजा करता है। जीवंता मृतव मन्ने देहिना धर्म वर्जितम मृतो धर्मेन संयुक्तो दीर्घ जीवी न संशय। चाणक्य कहते हैं कि मैं धर्म से रहत अधर्मी व्यक्ति को जीवित रहने पर भी मरे हुए के समान समझता हूँ, जबकि धर्मयुक्त मनुष्य मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है।
इस बात में किसी प्रकार का संदेह नहीं। मृत्यु के बाद धार्मिक व्यक्ति के जीने का अर्थ यह है कि व्यक्ति की कीर्ति, उसका यश, उसके अच्छे कार्यों के कारण अमर रहते हैं। अधार्मिक व्यक्ति तो जीवित रहता हुआ भी मरे के समान है, क्योंकि ना तो उसे कोई पूछता है और ना ही उसका समाज में कोई सम्मान होता है। धर्मार्थ काम मोक्षाना यस्य कोऽपीना विदते अजागल स्तन सयेव तस्य जन्म निरर्थकम्। जिस मनुष्य के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक चीज भी नहीं है, उसका जन्म बकरी के गले में लटकते हुए स्तनों के समान निरर्थक होता है। धामाना सुति व्रेण नीचा पर यशो अग्निना अशक्तास्त पदा गंतु ततो निंदा प्रक्रूवते। अर्थात नीच मनुष्य दूसरे व्यक्ति को यश को बढ़ता हुआ देखकर उसकी यश रूपी कीर्ति से जलते हैं और जब उस पद को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। दुष्ट व्यक्ति दूसरों की तरक्की करता देखकर उनसे जलने लगते हैं, उसकी कीर्ति रूपी आग उन्हें जलाती रहती है। जब वे उस कीर्ति को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तब उस व्यक्ति की निंदा करने लगते हैं। बंधाए विषया असक्ता मृकत्य निर्विषय मना मन एवं मनुष्याना कारणे बंध मोक्षयो। मनुष्य अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों में फंसा हुआ मानता है और अपने विचारों के कारण ही अपने आप को बंधनों से मुक्त समझता है। विषय वासनाएं ही मनुष्य के बंधन के कारण है और विषय वासनाओं से मुक्त होकर ही मनुष्यों का मोक्ष प्राप्त होता है। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्म मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाध है। अपने शरीर के अभिमान से नष्ट हो जाने पर, अपने आप को परमात्मा से युक्त जान लेने पर मन जहां जहां जाता है वहां वहां ही उसे समाधि से युक्त समझना चाहिए। मनुष्य की आत्मा और देह दोनों अलग हैं। जब व्यक्ति को इस बात का ज्ञान हो जाता है तब उसका शरीर संबंधी अभिमान नष्ट हो जाता है, यही उसकी समाधि अवस्था है। इपिस्ता मनस सर्वे कस्य सम्पद्यते सुखम देवा आयत्ता यत् सर्वे तस्य मात संतोष मा शरयेत। यानी मनुष्य के मन की सभी इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती क्योंकि वे सभी भाग्य के अधीन हैं, इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में संतोष धारण करना चाहिए। यथा धेनु सह सत्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृता कर्म कर्तार मनो गच्छति। जिस प्रकार हजारों गायों में बछड़ा केवल अपनी माँ के पास जाता है उसी प्रकार जो कर्म किया जाता है वह कर्म करने वाले के पीछे पीछे चलता है। अनवस्थित कार्यस्य ना जने ना वने सुखम जने दहति संसर्ग वने संग विवर जनम। यानी बेढंगे काम करने वाले को ना समाज में सुख मिलता है ना ही जंगल में। ऐसे व्यक्ति को समाज में मनुष्यों का संसर्ग दुखी करता है जबकि जंगल में अकेलापन। अव्यवस्थित जीवन वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं हो सकता। यथा खात्वा खणित्रेन भूतले वारी विंदति तथा गुरु गता विधा शुश्रूषुर दिग्गच्छति। जैसे फावड़े से खोदने पर पृथ्वी से जल प्राप्त होता है वैसे ही गुरु की सेवा करने वाला विद्यार्थी विधा को प्राप्त करता है। कर्मायता फला पुस्सा बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि शुद्ध शया आर्या सुविचार्य कुर्वते। यानी मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और मनुष्य की बुद्धि भी कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी बुद्धिमान और सज्जन भली भांत सोच विचार कर ही कार्य करते हैं। मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है। गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करना चाहिए, उसके फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। इसलिए यह और भी आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य सोच विचार कर ही कर्म करे। बिना सोचे विचारे कर कार्य करने से कार्य सिद्धि नहीं होती और फल प्राप्ति की तो आशा ही नहीं की जा सकती। एकाक्षर प्रदातरहा यो गुरु नाभि वंदति श्वान योनि शतहा भूकत्वा चांडाले शव भिजायते। यानी एकाक्षर मंत्र देने वाले गुरु की जो वंदना नहीं करता वह कुत्ते की योनि में 100 बार जन्म लेकर फिर चांडाल के घर उत्पन्न होता है। एक अक्षर का अर्थ यहाँ दो प्रकार से हो सकता है। एक अक्षर का ज्ञान देने वाला भी इसका अर्थ किया जा सकता है। शास्त्रों में ओम को एकाक्षर ब्रह्मा कहा गया है। इन्हें प्रदान करने वाला ही गुरु है। गुरु का जो आदर नहीं करता वह चंडाल के समान है। शास्त्रों में कृतघ्नता को ऐसा पाप माना गया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं होता।
युगान्ते प्रचलते मेरु कल्पान्ते सप्त सागरा साध्वा प्रतिपन्ना थरण ना चलते कदाचन। यानी एक युग के अंत में सुमेरु पर्वत भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता, कल्प के अंत में समुद्र भी अपनी सीमाएं लांघकर इस संसार को कष्ट में डाल देता है, परंतु श्रेष्ठ पुरुष अपने हाथ में लिए हुए कार्य को पूरा करने की प्रतिज्ञा से विचलित नहीं होते। इसका भाव यह है कि प्रकृति के नियम भले ही बदल जाएं, पर्वत और समुद्र भले ही अपना स्थान छोड़ दें, परंतु सज्जन व्यक्तियों ने जिस किसी कार्य की पूर्ति के लिए वचन दिया है वह अवश्य उसे पूरा करते हैं। वे अपने दिए गए वचन से टलते नहीं, भले ही उन्हें इसके लिए अपने प्राण गंवाने पड़े। राजा दशरथ ने अपने वचनों का निर्वाह करने के लिए ही तो अपने प्राण त्याग दिए थे। वे जानते थे कि राम के बिना जीवित रहना संभव नहीं, फिर भी उन्होंने राम को वन में भेजा। अब हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। चाणक्य ने अनेक बार मनुष्य की श्रेष्ठता को स्वीकार किया है। उनका कहना है कि यदि मनुष्य जीवन एक क्षण के लिए भी प्राप्त होता है तो उस काल में भी मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, और यदि उसका जीवन एक युग से भी अधिक हो तो भी उसे बुरे कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह जो समय बीत चुका है या जो आगे आने वाला है इसकी चिंता छोड़कर वर्तमान की ओर ही ध्यान दे, समस्याओं का समाधान उसी में निहित है। मनुष्य की सफलता उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। वह स्वभाव से ही सज्जन पुरुषों और अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकता है। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे धन को तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। यदि उनके पास अधिकाधिक धन हो जाए तो भी वे अभिमान नहीं करते। वे उसी प्रकार नम्र होकर झुक जाते हैं जिस प्रकार फल से लदी हुई वृक्ष की शाखा। आचार्य का कहना है कि अपने बंधु बांधवों के प्रति कर्तव्य पूरे करते हुए उनसे इतना अधिक लगाव नहीं बढ़ाना चाहिए कि उनके बिछड़ने से कष्ट अनुभव हो। जो व्यक्ति सदैव सतर्क रहते हैं और समय आने से पूर्व ही आने वाले कष्टों को रोकने के उपाय कर लेते हैं, ऐसे व्यक्ति अपना जीवन सुख से बिता सकते हैं। परंतु जो भाग्य के भरोसे रहते हैं उन्हें कष्ट उठाना ही पड़ता है। जैसे राजा वैसी प्रजा एक बहुत पुरानी कहावत है। यह आचार्य चाणक्य के समय से ही प्रसिद्ध हुई दिखाई देती है। चाणक्य कहते हैं कि जिस मनुष्य के जीवन में धर्म का भाव है मैं उसको मृत व्यक्ति के समान समझता हूँ, और धर्माचरण करने वाला व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहता है। इसी संबंध में आचार्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों में से एक के लिए भी पुरुषार्थ नहीं किया तो समझो कि उसका जीवन व्यर्थ है। शास्त्र धर्म, अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानते हैं, मोक्ष उनकी दृष्टि में परम पुरुषार्थ है। यह संकेत है कि इन तीनों की सार्थकता तभी है जब समस्त बंधनों से जीव मुक्त हो जाएगा। दुष्ट व्यक्ति जब किसी के बढ़ते हुए यश को देखता है तो वह उसकी निंदा करने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य के मन को ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया है, क्योंकि उसके विचार ही उसे संसार के मोह माया में फंसाए रखते हैं जो उसके लिए बंधन के समान है। योगी मन को वश में करके उसके सभी बंधनों को काट फेंकते हैं। मनुष्य के कर्मों के संबंध में वे कहते हैं कि जिस प्रकार बहुत सी गांवों में भी बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है और उसी के पीछे पीछे चलता है, उसी प्रकार मनुष्य के कर्म भी मनुष्य का साथ देते हैं। अर्थात वह जैसा कार्य करता है उसके अनुसार ही उसको फल भोगना पड़ता है। कर्म के संबंध में चाणक्य आगे यह कहते हैं कि मनुष्य को कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और उसकी बुद्धि भी उसके द्वारा किए जाने वाले कर्मों के अनुसार ही कार्य करती है। इतने पर भी विद्वान और सज्जन व्यक्ति सोच विचार कर कार्य करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कुछ ऐसा भी है जिसे बुद्धि द्वारा नई दिशा दी जा सकती है। चाणक्य अंत में मनुष्य के स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सज्जन पुरुष अपने कर्तव्य अथवा अपने वचन से कभी भी विमुख नहीं होते, जबकि संकट आने पर बड़ी से बड़ी प्राकृतिक शक्तियां भी मनुष्य का साथ छोड़ देती हैं। इतिमं समाप्तम्।